दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ ये है कि ये देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये हारून सर को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने जो है खुद का सर मुंडा लिया, गंजा करवा लिया। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों के लिए ही किया है। एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने एक ऑयल का वीडियो देखा जो कि हेयर ऑयल हम लोग घर में बना सकते हैं, और मैंने दोस्तों इसी ऑयल के बारे में बहुत सारे लोगों के मुँह से ये भी सुना कि ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन दोस्तों जब तक मैं खुद प्रैक्टिकल नहीं करता तो मैं उस बात पर यकीन ही नहीं करता हूँ। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने ये जो ऑयल है आप लोग देख सकते हैं, ये ऑयल मैंने खुद ने घर पर बनाया, इसको रेडी किया, और मैं इसे जो है पूरा एक महीने तक कर अभी इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैंने मेरा सर गंजा करा लिया है। और बहुत से लोग दोस्तों ये भी बोलते हैं कि ये हेयर ऑयल जो है, ये हेयर ऑयल हमारे हेयर की जो ग्रोथ है उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, मतलब ये दुगनी स्पीड से जो है हमारे हेयर को ग्रो करता है। तो मैं भी ये देखना चाहता था दोस्तों कि एक्चुअली ये सच में वर्क करता है या नहीं, इसलिए मैंने खुद ने इसे बनाया और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और मैं इसे यूज़ करने के बाद में अपना जो है अगले महीने में इसी तारीख को वीडियो बनाऊंगा कि एक्चुअली इसका रिजल्ट कितना मिला या नहीं मिला, या सच है या झूठ है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी बता देता हूँ, तो आप लोग भी इसकी रेसिपी जान लीजिए ताकि आप लोग भी इसका अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा सके। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्या करना है, इसमें जो इंग्रेडिएंट लगेंगे, और ये एक स्पेशल ऑयल है क्योंकि इसके अंदर अनियन है, तो ये अनियन ऑयल है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को दो कांदा लेना है। इस बात का ख्याल रखिए कि ऑनियन जो प्याज लेंगे वो लाल वाला कांदा लीजिए, प्याज लीजिए जो इतना मीडियम साइज का हो, दो प्याज लेना है। अब हम लोग प्याज इसलिए यूज़ कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर क्योंकि प्याज के अंदर काफ़ी मात्रा में सल्फेट होता है, और सल्फेट दोस्तों जो प्याज के अंदर होता है ये हमारे हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हेयर की जो दोस्तों फंगल इन्फेक्शन या फिर जो भी इन्फेक्शन होता है हमारे स्काल के ऊपर, तो ये उसके वजह से ख़त्म हो जाता है और डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम भी हमारे ऊपर नहीं आती है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग कांदा काटते हैं, प्याज काटते हैं ना, तो हमारे आँखों में जो तेज़ जाता है वो एक्चुअली सल्फेट ही होता है, जो कि दोस्तों हमारे हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें दो कली जो है लहसुन की डालना है। आप लोग मीडियम साइज के लहसुन ले सकते हैं, दो लहसुन डालना है इसके अंदर। लहसुन भी दोस्तों हमारे हेयर की स्काल्प के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, ये हमारे स्किन हेयर की स्किन के ऊपर से बैक्टीरिया को दूर करता है। इसके अलावा ये हमारे हेयर की ग्रोथ करने में भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, और हमारे स्किन के ऊपर से जो दोस्तों डैंड्रफ हो जाता है हेयर्स में, तो उसको भी कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है। इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, इसके अंदर एक कप जो है कड़ी पत्ता डालना है। कड़ी पत्ता मीठा नीम इसे बहुत से लोग बोलते हैं, तो ये हमें डालना है। कड़ी पत्ता दोस्तों हमारे हेयर को कंडीशन करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो क्योंकि गर्ल्स तो ये हरकत कर नहीं सकती है भाई, जो मैंने करा है। तो गर्ल्स अगर से आप लोग इसे वैसे भी यूज़ करेंगे तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बॉयज़ चाहे तो मेरी तरह प्रैक्टिकल कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं थी, फिर मैं कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। तो आप जो है हेयर को ये कंडीशन करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है कड़ी पत्ता, तो इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसमें कड़ी पत्ता भी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें हम लोग डालेंगे 200 ml यहाँ पर सरसों का तेल, और 50 से 100 ml के दरमियान में कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या फिर नहीं भी डालें। इसके बाद में अब मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, एक हमें जार लेना है मिक्सर का, उसके अंदर हमें प्याज को चॉप करना है और उसे डाल देना है। इसके बाद में दो लहसुन की जो कलियाँ ली थी उसे अच्छी तरीके से छील कर हमें जितना भी लहसुन हमारे पास में कलेक्ट हुआ है वो उसमें डाल देना है। आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा हूँगा। और इसके बाद में दोस्तों उसके अंदर हमें कड़ी पत्ता भी डाल देना है एक कप। अब इसके अंदर क्या करना है दोस्तों, जो 200 ml सरसों का तेल था उसमें से लगभग 100 ml या फिर 50 ml आप लोग उसमें डाल दीजिए, ताकि जब आप लोग उसे मिक्सर में मिक्स करें तो अच्छी तरीके से उसका एक पेस्ट बन जाए। जब दोस्तों आप लोग इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो इसका एक ग्रीन कलर का पेस्ट आपके पास में रेडी हो जाएगा। अब ये पेस्ट को दोस्तों आप लोगों को किसी भी एक मोटी कढ़ाई में डाल सकते हैं आप लोग, या फिर आपके पास में नॉनस्टिक पैन होगा तो उसमें भी डाल सकते हैं, तो उसमें डाल लेना है। इसके बाद में जो बचा हुआ सरसों का तेल था 100 ml अगर आप लोग डालेंगे तो 100 ml बचाऊंगा, तो 100 ml इसमें डाल लीजिए, और कोकोनट ऑयल 50 या 100 ml आपके पास में होगा तो कोकोनट ऑयल भी इसमें डाल लीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पर एक मिक्सर अब रेडी हो गया कढ़ाई के अंदर। अब इसे हमें गैस पर चढ़ा देना है, और गैस पर चढ़ाने के बाद में पहले जब तक कर कढ़ाई गर्म हो रही है तो इसे हाई फ्लेम पर रहने देना है। अब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि कहीं भाई कोई सब्जी तो नहीं पक रही है, लेकिन दोस्तों इसकी रेसिपी ऐसी है कि मतलब, लेकिन ये रिजल्ट देता है, मैंने बहुत से लोगों के मुँह से सुना है इसी के बारे में, तो मैं भी इसे ट्राई तो कर ही रहा हूँ। तो दोस्तों इसे जो है हमें अच्छी तरीके से अब इसे हाई फ्लेम पर पहले रखना है, उसके बाद में हमें फ्लेम लो कर देना है एकदम सबसे लो, और इसे अच्छी तरीके से स्टर करते हुए पकाना है जब तक कर इसके ऊपर अच्छी तरीके से झाग ना आ जाए। जब दोस्तों इसके ऊपर झाग आ जाएगा तो इसके जो भी आप लोगों ने देखा ना कि वो जो है पूरा अच्छी तरीके से पक जाएगा, लगभग आधे घंटे तक कर इसे लो फ्लेम पर आप लोगों ने पकाना है। और इस बात का ख्याल रखिए दोस्तों कि जो सब्जी हमने अंदर डाली है, जो इंग्रेडिएंट है, वो जलना नहीं चाहिए, वो हल्के लाइट ब्राउन हो सकते हैं लेकिन उसे जलना नहीं चाहिए। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को इसे बनाना है। फिर ये पूरा जब आधा घंटा हो जाएगा तो फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब दोस्तों ये ठंडा हो जाएगा तो किसी भी कपड़े की मदद से उसमें ये पूरा जो है उल्टा दीजिए और इसे किसी भी एक कटोरे में रख दीजिए। फिर उसको दोस्तों अच्छी तरीके
तरीके से स्क्वीज़ कीजिए ताकि उसके अंदर से पूरा ऑयल बाहर निकल जाए और जो जितना भी मटेरियल है हमारा वो कपड़े में रह जाए। अब ये मटेरियल का आप लोगों को फेंकना नहीं है, इसे इस्तेमाल हम लोग बाद में करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को पूरा ऑयल निकालना है। तो ये किस इस तरीके से आप लोगों के पास में ऑयल आ जाएगा, ये मैंने जो रेडी किया है ना यहाँ पर ये, और इसे आप लोग किसी भी बॉटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर कांच का आपके पास में कुछ होगा कटोरा वगैरह तो उसमें भी आप लोग इसे रख सकते हैं। इसे अच्छे से एयर टाइट ऐसे कंटेनर में रखना है और कूल एंड ड्राई प्लेस में आप लोग रख सकते हैं। अब दोस्तों वो जो मटेरियल हमारे पास में बचा है सूखा वाला, तो उसे आप लोग हफ्ते में एक बार मुल्तानी मिट्टी के साथ में मिक्स करके लगा सकते हैं सर पर, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, या फिर आप लोग चाहे तो उसे फेंक भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें ये हमारा ऑयल यूज़ करना है। इसके बाद में दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसे यूज़ करने का मेथड। तो इसे क्या करना है दोस्तों, जब हम लोग इसे यूज़ करते हैं तो हमें इसे ठंडा यूज़ नहीं करना है, हमें क्या करना है इसे एक कटोरी में निकालना है जिसमें भी आप लोग ले रहे हैं, फिर क्या करना है एक पतीला रखना है उसमें पानी लेना है और उस पानी को गर्म करना है। उस पानी को गर्म करने के बाद में दोस्तों उसके अंदर वो कटोरी रख देना है। फिर दोस्तों जब वो पानी गर्म हो जाएगा तो जो कटोरी के अंदर ऑयल रखा था वो भी ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों जो गर्म ऑयल है वो हमारे स्कैल्प के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए हम इसे गर्म कर रहे हैं। तो इसे दोस्तों इस तरीके से हमें बना लेना है। और सॉरी मैं आप लोगों को थोड़ा शायद डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी आवाज़ बैठी हुई है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। तो इसे दोस्तों इस तरीके से हमें अब इसे लगाने का जो तरीका, इसे हमें दोस्तों नाखून की मदद से नहीं लगाना है, इसे जो है ना हमारे फिंगर टिप्स की मदद से ऐसे मसाज करना है। ये आप लोगों को मेरे सर के ऊपर दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से मसाज करना है अच्छी तरीके से ताकि ये पूरा अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और इसे दोस्तों तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आप लोग मसाज कर सकते हैं, इसे ओवरनाइट रहने देना है और सुबह उठ के आप लोग इसे माइल्ड शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। और दोस्तों ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आयुर्वेदिक शैम्पू यूज़ करें, जैसे कि वादी या फिर खादी का आता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को इसे यूज़ करना है और इसे कंटिन्यू कम से कम दोस्तों 1 महीने तक कर यूज़ करना पड़ेगा अगर अच्छा फ़ायदा लेना है तो। और मैं तो खुद प्रैक्टिकल कर ही रहा हूँ, ये मैंने इतना बड़ा बनाया है ये तो वैसे काफ़ी ज़्यादा चल जाएगा, तो मैं खुद प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने अगले महीने भी देख लेना कि इसका कितना रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। आई होप सो दोस्तों इसका रिजल्ट तो मिलेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बहुत से लोगों के मुँह से सुना है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हेयर फॉल रुकता है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है। तो मैं सोचा चलो अब कर ही लेते हैं खुद के ऊपर भी थोड़ा सा ट्राई। तो मैंने भी, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने भी मेरा जो है सर गंजा कर दिया है, शिवाजी द बॉस बन गया हूँ मैं, और इसे अब मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतनी कुर्बानियाँ दे रहा हूँ, मैंने मेरा सर भी जो है सर नहीं सॉरी बाल भी कटा दिया है। तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और जो लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो इस तरीके से दोस्तों हमें ऑयल बना लेना है और इसे यूज़ करना है, और जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसका रिजल्ट तो मिलता ही मिलता है, तो अब मैं आप लोगों को अगले महीने बताऊँगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर से आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज होंगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ बैठी हुई है इसलिए मुझे बराबर बोलना नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोग जो है इसे ट्राई कर सकते हैं, आप लोग इसे बनाइए, इसका फ़ायदा काफ़ी अच्छा मिलता है। गर्ल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बॉयज़ भी, किसी भी एज का पर्सन इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नेचुरल है, घर में बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों एक बात मैं बताना भूल गया, इसके अंदर आप लोगों को 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स भी डालना है, वो इसलिए क्योंकि विटामिन ई हमारे हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा विटामिन ई के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जो कि आई बटन में आप लोगों को मिल जाएगा, तो वो जाकर भी आप लोगों ने ज़रूर देख लेना। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं इसके इंग्रेडिएंट वगैरह दे दूंगा, तो वो जाके भी आप लोग देख लेना। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और दोस्तों मेरी इस कुर्बानी के लिए एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना जो नए पर्सन होंगे तो, और आपके फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर ज़रूर कर देना। और अगले महीने मेरा इसी डेट को यही वाला वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके अलावा मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करते रहता हूँ वो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।